हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत फिर एक बार, जो भक्त अभी अभी उपस्थित हुए हैं। तो हम कर्म तीन अध्याय 26, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ दिस मटेरियल नेचर, उसके 33 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा तत्व ज्ञानी है ये पूरा चैप्टर। तो यहाँ पे हम सुन रहे हैं कि जो भगवान लॉर्ड कपिल है, वो अपनी माता देवती को ज्ञान दे रहे हैं और उनको ये ज्ञान में बता रहे हैं कि ये भौतिक सृष्टि जो है, ये भौतिक संसार है, कैसे कैसे इस ये एस्टाब्लिश हुआ, कैसे मैनिफेस्ट हुआ, कि कैसे ये ग्रह निर्माण हुए, इस ग्रह में कैसे सारे पंच महाभूत और सारे अलग अलग पदार्थ को भगवान ने जोड़ा, भगवान ने सबको प्रेरणा दी और भगवान ने सबको प्रवेश दिया, और फिर उन सब के मिश्रण से ये भौतिक संसार कैसे प्रेरित हुआ। और यहाँ पे आज हम देखेंगे कि जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, वो शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं। तो आज इस शब्द के बारे में हम समझेंगे। तो आज का जो श्लोक है, यहाँ चर्चा में हम देख रहे हैं पांच तन्मात्रा, पांच तन्मात्रा है उसमें, एक 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 आगे की श्लोक में तन्मात्राएं आएगी। तो आज का फर्स्ट जो है वो शब्द है, फर्स्ट एस्टैब्लिश हो रहा है शब्द। जो शुरू होता है तन्मात्रा, सबसे पहला स्टार्ट एस्टैब्लिश हुआ, सबसे पहले जो मैनिफेस्ट किया भगवान ने, वो है शब्द। सबसे पहले ये शब्द है ना, ये बेसिक है। शब्द साउंड, अर्थाश्रयत्वम शब्दस्य, ये शब्द से विद्वान व्यक्ति है, या कह रहे हैं शब्द वो है जिसके बारे में हम वस्तु के बारे में सुनते हैं, शब्द वो है, शब्द के माध्यम से ही हम सुन रहे हैं। ये शब्द आ रहा है किसी वस्तु के बारे में कह रहा है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब देयर इज समवन बिहाइंड दैट। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि हम जल कह रहे हैं, यहाँ पे उदाहरण दिया है कि गिव मी वाटर, ये गिलास है और पानी है, तो जब वाटर मैं बोल रहा हूं तो वाटर एक पदार्थ है ना, एक सब्सटेंस है, एक 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 वस्तु है, लिक्विड है वो। तो एक व्यक्ति जो है वो बोल रहा है और एक व्यक्ति जो है वो है वहां पे जो हमें ज्ञान दे रहा है। हाँ, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। हाँ, क्या होता है हम नहीं पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सोर्स है जहां से हमें वो शब्द सुनाई दे रहा है। कोई बोल रहा है तो आवाज कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो शब्द है, ये जो ध्वनि है, ये आकाश का एक सूक्ष्म तत्व है। यहाँ पे दिख रहे हैं, लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं, ओट में खड़े वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। ये आकाश है, करेक्ट। हमने देखा है कि जो ध्वनि है वो लाइट से कम स्पीड में जाती है। आपने कभी देखा है सर? अपने बचपन में जो स्कूल में जा रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा कि जब फटाके दिवाली में फटते हैं ना, तो आपको लाइट पहले सुना दिखाई देती है, लेकिन जो ध्वनि है वो आपको बाद में सुनाई देता है। हुआ ऐसा? हुआ ऐसा? करेक्ट। क्योंकि लाइट की जो स्पीड है दिखने की, हम कहें, या लाइट की जो स्पीड है आकाश में ट्रैवल करने की, और ध्वनि की जो स्पीड है जो
आकाश में ट्रैवल करने की, वो दोनों अलग अलग है। ध्वनि की स्पीड कम है, अभी वो टेक्निकली कितनी है वो आप लोग गूगल में जाके देख सकते हैं, सब ज्ञानी है। लेकिन यहां कहने का मतलब है कि ये आकाश में, ये आकाश एक ऐसा तत्व है जिससे ध्वनि ट्रैवल कर रहा है और एक लाइट भी ट्रैवल कर। तो सबसे पहले यहां पे आकाश जो तत्व है, या जो आकाश है पंच महाभूत में, एक जो तत्व हमारा आकाश है, उसके एक तन मात्रा, उसमें 5 तन मात्रा है, उसमें से एक तन मात्रा सबसे इंपॉर्टेंट है ये ध्वनि, साउंड वाइब्रेशन। तो यहां पे स्पेस जो हम कहते हैं ना, ये जो आकाश हम कहते हैं, उसका सूक्ष्म तत्व आवाज है, ध्वनि है। आगे आप देखोगे नभ, उसके बारे में हम आगे के श्लोक में आप चर्चा करेंगे, तो नभ के बारे में। तो वैदिक ज्ञान जो है यहाँ पे श्रुति, यहाँ पे प्रभुपाद हमें लिख रहे हैं श्रुति, हम सीखते हैं वैदिक ज्ञान को सुन के। और यहाँ पे और एक शब्द आया है कि अपौरुषेय, ये कोई साधारण पुरुष से उत्पन्न नहीं होता है, नहीं हुआ है ये जो ज्ञान है। देखो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं दो प्रकार के ध्वनि है। हम आगे चर्चा करेंगे कि जो ध्वनि है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे मटेरियल वर्ल्ड के लिए भी, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी, और मटेरियल जीवन के लिए। सुनना सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम में भी हमने कही है, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, ब्रह्मा जी सबसे पहले जीव है इस भौतिक जगत के, सबसे पहले जीव है। उन्होंने अपने हृदय में, ये अपने हृदय में ये जो भागवत, जो जो ज्ञान विज्ञान वेद, ये सारे उन्होंने सुने, करेक्ट। लेकिन ब्रह्मा जी सबसे पहले हैं, तो उनसे पहले है, तो उनके पहले जो कौन था, किसने सुनाया ब्रह्मा जी को, अपने हृदय में कैसे स्फुरित किया, कौन है? सबसे पहले ब्रह्मा जी इस जगत के सबसे पहले जीव है, सबसे, उनको कौन बताया? कहीं ना कहीं तो अटक जाएगा ना, नल में पानी आ रहा है, करेक्ट। नल में पानी आया तो कहां से आया, कहां से आया? अपनी टंकी से। टंकी में पानी कहां से आया? शायद नीचे की टांक से, टंकी से, जो बिल्डिंग में रह रहे हैं सब लोग। फिर वहां पानी कहां से आया? तो हमारी बहुत बड़ी टंकी आपने देखी होगी, वहां से आया। वहां कहां से आया? तो एक जलाशय, एक तालाब से आया। तालाब में पानी कहां से आया? तालाब में पानी कहां से आया? तो कहेंगे बादल ने, बारिश आई, पानी आया। अभी कहेंगे कि भाई बारिश कहाँ से आई? भगवान की कृपा से। नहीं तो ऐसे ही नहीं हो सकता ये, कोई कहेगा नहीं समुद्र में से पानी, करेक्ट। ये एक प्रोसेस बना है, लेकिन इस प्रोसेस को चलाने के लिए जो प्रेरणा दे रहे हैं ना, ये जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे ये भी शरीर बोल रहा है, ये जो चल रहा है वो किसकी प्रेरणा है, किसका, किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है ये, भगवान की। तो ये संसार में जो भी कुछ हो रहा है, ये सब कुछ भगवान के निर्धारित, भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ना, ये सारा ज्ञान ब्रह्मा जी ने, वैदिक ज्ञान भगवान से लिया, ये हमें समझना है। कि प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि पहले के कुछ श्लोकों में बता रहे हैं, एक श्लोक में बता रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है ये साउंड की, ये जो जो ध्वनि है, ये क्या जरूरत है, इसको बनाने के लिए कुछ क्यों, भगवान ने बनाया क्यों, ध्वनि क्यों बनाई, क्यों ध्वनि बनाने की जरूरत थी? सबसे इंपॉर्टेंट, ये ध्वनि आ गई, एस्टैब्लिश हो गई, लेकिन ये ध्वनि क्यों,
क्या जरूरत है इसकी? जिस ध्वनि है क्यों एग्जिस्ट हुई, क्यों करने की जरूरत पड़ी? तो यहां पे ये जो कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत का जो पूरा ज्ञान है, और भौतिक जगत का ज्ञान और आध्यात्मिक जगत का ज्ञान, ये दोनों ज्ञान लेने की जो 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 हमारी कहते हैं प्रोसेस है, वो क्या है? ध्वनि, सुनना, हियरिंग। यही जो सुनना है, ये जो साउंड है, ये जो ध्वनि है, वही ध्वनि हमें हमें इस भौतिक कार्यों में फंसाती है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड का, ये जो भौतिक जगत का, ये जो अलग-अलग जो ज्ञान है और जिसको हम लेते हैं, वही हमें फंसाते हैं। लेकिन यही ध्वनि, यही साउंड हमें, अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को लेते हैं, आध्यात्मिक ध्वनि को सुनते हैं, तो वही हमें इस हमारा जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, उससे हमें फ्री कर देता है। इट फ्रीज फ्रॉम मटेरियल एंटेंगलमेंट। साउंड वही है, ध्वनि वही है। हाँ, ध्वनि का जो पैरामीटर है, ध्वनि के जो हम कहें कि साइंटिफिक वो है, वो वाइब्रेशन तो सेम ही है। हाँ, शब्द अलग अलग है। तो यहां बता रहे हैं के अनावृत्ति ही शब्दार्थ। तो ये जो अनावृत्ति ही शब्दार्थ, मतलब हमें लिबरेशन, हमें मुक्ति मिल सकती है शब्द को सुन के, ध्वनि को सुनते। लेकिन मैटर करता है कि आप कौन सी ध्वनि सुन रहे हैं। मटेरियल ध्वनि आजकल सबको सुनना बहुत पसंद आता है, सबको मटेरियल ध्वनि सुनना पसंद आता है। हाँ, पिक्चर के गाने सुनो, पिक्चर के गाने गुनगुनाओ, ये मटेरियल ध्वनि है ना, सबको पसंद है। पिक्चर के गाने गा रहे हैं, अरे क्या है ये पिक्चर के गाने गा के, आज है कल नहीं है। तो हमें ये बहुत अलग अलग प्रकार के ध्वनियां सुनाई देती है, लेकिन हमारे ऊपर प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियल नॉलेज, कौन सी ध्वनि सुने। क्योंकि सुबह उठे हम 4:30 बजे या 3 बजे या 2 बजे या 7 बजे या 8 बजे, कभी भी उठते हैं, हमारा सबसे पहला काम ये क्या हो जाता है? सुनते रहते हैं हम एक दूसरे की बातें, सुनते रहते हैं कुछ ना कुछ, हम पूरा दिन भर सुनते हैं। लेकिन जब हम ऐसी उटपटांग बातें सुनते हैं, मटेरियल वर्ल्ड की बातें सुनते हैं, तो हमें वो फंसाती है। लेकिन अगर हमने हमने वैदिक ग्रंथों के जो साउंड है, जो वैदिक ग्रंथों को हमने सुना, वो भी ध्वनि है। लेकिन अगर हम इस आध्यात्मिक कथा को सुनेंगे, श्रीमद् भागवतम को सुनेंगे, तो क्या होगा? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा इस जो भौतिक जगत में हमारा जो आवागमन है, फंसे हुए हैं, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। हमें ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो ध्वनि है ना, उसको सुननी है। ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जो ध्वनि भगवान ने भेजी है, अगर हमने मटेरियल वर्ल्ड की जो बातें सुनने हैं, अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, अगर उसको हमने सुना, ये ध्वनि को सुनते रहे, तो ये ध्वनि जो है, ये भगवान ने क्यों ध्वनि एस्टाब्लिश की? क्या सुनने के लिए भगवान ने ये ध्वनि इसके लिए एस्टाब्लिश की कि आप लोग मुझे समझो, बोलो, प्रचार करो और मुझे समझो, इसके लिए आपको एक एलिमेंट लगेगा, एंड दैट इज कॉल्ड साउंड। नहीं तो शरीर बनाया, आप एक बार देख लो, ये शरीर भगवान ने बनाया, ये सो कॉल्ड डॉक्टर सुन ले आज, किसके पास भी कोई कारण नहीं। मैं आगे एक बताऊंगा, एक व्यक्ति के साथ मैं बात कर रहा था 2 दिन पहले, कुछ नहीं मिला ना, बस भगवान के ऊपर डाल देते हैं ये सारे डॉक्टर लोग। हाँ, जब तक खींच सकते हैं खींचो, जब तक उसका इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, फिर बाद में भगवान याद आते हैं। पहले दिन भगवान ही याद आते हैं इनको, क्यों? क्योंकि मेडिक्लेम का पेपर याद आता है इनको, दिखता है मेडिक्लेम का पेपर इन लोग, कि इसके पास बहुत पैसा है, इसका मेडिक्लेम है, लूटो,
फिर उसके बाद जब उसका एग्जॉस्ट हो जाता है मेडिक्लेम की, फिर बोलते हैं अभी आप लेके जाइए और भगवान को प्रार्थना करिए, जैसी सेवा होती है आप सेवा करिए। अरे भाई पहले बोल देता ये चीज, लूट तो लिया हमको, हमें तो लूट लिया किसने, इस दुनिया वालों ने, सुनने जाते हैं ऐसे ही। हाँ तो ये प्रभुपद यहाँ बता रहे हैं, प्रभुपद यहाँ बता रहे हैं कि लूट रहे हैं सब हमें, ऐसी ध्वनि सुनना हमें अच्छा लगता है। डॉक्टर के पास गए, बड़ा डॉक्टर के पास जाएंगे, चलो फिर वो बताएगा, अच्छी फीस ले लेगा, फिर वो बताएगा ऐसे ऐसे करो, मैं ही अपना थोड़ा हाथ में दर्द हो रहा था तो लोखंड वाला मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे सलाह दी आइस पैक लगाइए। बोला ये तो मेरी माँ फुकट में बोल रही है, आइस पैक ही लगाना था इसलिए तेरे पास थोड़ी आया था मैं। हाँ सुना दिया मुझे दो ध्वनि सुना दी कि यू पुट द आइस पैक हियर। बोलो, मैंने लक्ष्मी प्रिया माता जी को बाहर आके बताया कि भाई ये सुनने के लिए हम आए थे यहाँ कि आइस पैक लगा दो, वो तो कर ही रहे थे। तो ये मटेरियल वर्ल्ड के जो सारे ध्वनि हैं सुनते हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, फंसाने के लिए सब है। हमें समझना पड़ेगा, हमें स्पिरिचुअल वो साउंड जो है ना उसको सुनना है, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल साउंड, बिकॉज द स्पिरिचुअल साउंड हैज, उसको जो स्पिरिचुअल साउंड जो हमें दे रहा है ना उसके पीछे उसका कोई भी आर्थिक लाभ नहीं है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति मटेरियल वर्ल्ड के जो बातें कर रहा है, जो शब्द बोल रहा है, उसके पीछे उसका आर्थिक उद्देश्य होता है। और ये जो साउंड है ये भगवान ने इसी के लिए बनाया कि हम कुछ सुने, भगवान के बारे में सुने और हम यहां से निकल चले। हियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहला हमारा बहुत हमारा आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने के लिए हमें सुनना पड़ेगा, कड़वा होगा लेकिन सुनना पड़ेगा। और हम जैसे भौतिक जगत में हम कुछ भी सुनते हैं, हम सिर्फ सुनते नहीं है, वो राइट ऑथोरिटी से सुनते हैं। हम अगर अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम कोई स्कूल में, एक प्रॉपर स्कूल में जाते हैं, नॉलेज लेते हैं और वहां से क्वालिफाइड टीचर से हम सीखते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल कॉमन है, ये जो हियरिंग है स्कूल में जाके भी हम तो सुनते ही हैं, और हम फंसते हैं, एंटेंगलमेंट हमारा फंसने का कारण बनता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे भौतिक जगत में भी हम कोई स्कूल में जा रहे हैं तो एक प्रॉपर सोर्स से हम सुन रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं अगर हम अगर राइट सोर्स से अगर हम नहीं सीख रहे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, कोई काम नहीं होगा हमारा, कोई काम नहीं बनेगा हमारा। तो हम राइट सोर्स में सुन रहे हैं वहां पे। तो भौतिक जगत में देखिए, उदाहरण की तरफ से हम देखें इसको कैसे समझे, कि हमारे पास उतना ज्ञान है कि अगर हम बीमार हैं तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, करेक्ट। लेकिन अगर हम वकील के पास गए, आप बीमार हो आप वकील के पास चले गए, ऐसा होता है नहीं होता है? नहीं, बहुत बड़ा वकील है प्रभु जी, बहुत बड़ा वकील है, चलिए चलिए सुप्रीम कोर्ट का जज, मीन्स जज बनने वाला भी हो, इतना बड़ा वकील है। हाँ बहुत बड़ा, बड़े बड़े केस लड़ता है, अरे आपकी बीमारी वो ठीक कर देगा, वो सही आदमी नहीं है आपकी बीमारी ठीक करने के लिए। आप आपके पास वो ज्ञान है, हमारे पास वो ज्ञान है कि अगर बीमारी है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई वकील के पास नहीं जाएंगे, कोई बड़े इंजीनियर के पास नहीं जाएंगे। लेकिन ये कैसे आया नॉलेज, ये हमारे पास नॉलेज कैसे आया? बाय हियरिंग, बाय गेनिंग द नॉलेज, हमने सुना। तो सुनना भक्ति का फर्स्ट स्टेप है, हियरिंग अटेंटिवली। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो नॉलेज है ना वो आपको कैसे मिलेगा, ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा हमें
कैसे मिलेगा? हमें सुन के ध्वनि, इसके लिए भगवान ने ध्वनि बनाई कि आप लोग प्रभुपाद यहाँ बता रहे कि पर्पट में लिख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इसको सुनना जो आप कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे एवं परंपरा प्राप्ति एवं राज ऋषि विदुहु, भगवत गीता में कहते हैं वी हैव टू हियर, ये जो नॉलेज है वो परंपरा डिसाइपल सक्सेशन में जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है परंपरा, इसके लिए हमारी जो भगवत गीता है ना उसको एज इट इज किया है। आप मुझे बताइए अगर आपको किसी ने चैलेंज किया कि ये भगवत गीता आपकी एज इट इज है कैसे, बताइए क्या कारण है, एज इट इज का कारण क्या हो सकता है? चैट में लिख के बता सकते हैं भक्त लोग। एज इट इज का एज इट इज का मतलब वही है कि जैसी थी वैसी। तो यहां पे हम तर्क कर सकते हैं, तर्क ये होगा कि हम कैसे प्रूव करें, क्योंकि हमारे पास गुरु शिष्य परंपरा है। वेरी फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, कृष्णा इज अ पर्सन ऑन अ टॉप, भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण से डिसाइपल सक्सेशन में हमें ये प्रभुपाद ने भगवत गीता दी, इसलिए हमारी भगवत गीता एज इट इज है। कोई भगवत गीता पढ़ता है ना, आप ये समझ लीजिए, आज सुनिए, पहली बार सुन रहा हूं मैं शायद, ये जो भगवत गीता है ना हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो भगवत गीता डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण ऑथर है, उनके शब्द है, उनको हम सुन रहे हैं डायरेक्टली। कितने फॉर्चुनेट है बताइए, डायरेक्ट भगवान के शब्द को सुन रहे हैं, और ये श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है, उनकी कृपा से। ये हमें समझना चाहिए कि ये जो डिसाइपल सक्सेशन में हमें जो भगवत गीता मिली है वो सबसे ऑथोराइज्ड है। ये जो प्रोसेस है हियरिंग का, ये हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, लेकिन हम ये कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये राइट सोर्स से हम सुने तो वैदिक नॉलेज जो है ना, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि वैदिक क्या क्या बता रहे हैं, श्रुति। वैदिक नॉलेज को क्या कहते हैं, श्रुति। वैदिक नॉलेज को श्रुति कहते हैं। तो वो आता कहाँ से, सुन के। तो हमने देखा, पहले भी देखा है कि ये जो स्पिरिचुअल मास्टर्स जो होते थे गुरुकुल में, जो बच्चे पढ़ाई करने जाते थे, उनके पास कितनी किताबें होती थी बताइए, कोई बताएगा चैट में लिख के। उनका जो वाइल्ड क्रैप का बैग होता था या अमेरिकन एक्सप्रेस का बैग होता था, कौन से कंपनी का बैग लेके जाते थे सारे बच्चे लोग, बताइए चैट में लिख के बताइए। हाँ, कितनी बड़ी किताबें का बोझा लेके जाते थे बच्चे लोग, बताइए जब स्कूल में जाते थे। हाँ, कौन सा टैब लेके जाते थे, कौन से कंपनी का टैब लेके जाते थे, आईपैड, सैमसंग, कौन सा टैब लेके जाते थे, कौन सा मोबाइल लेके जाते थे, सब लोग बताइए कौन थे, चैट में लिख के बता सकते। कुछ ऐसे लेके जाते थे, स्लेट वर ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट, स्लेट वर ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट, स्लेट भी नहीं था, स्लेट तो अभी इसलिए तो चाक ले जाते थे। और डिपेंडेंट ऑन लिख मेमोरी। नहीं, सुनना सुनना, यस, चाक, एक चाक आता था प्रभु जी, उससे लिखते थे स्लेट और ले जाते। ये बहुत पुरानी बात, ये आप थोड़ी पुरानी बात करूं, मैं तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, आप थोड़ी पुरानी बात कर रहे हैं, 50 साल पहले, 30 साल हम पहले। सुन के ना प्रभु जी, खाली सुनते थे गुरु जी से। श्रुति का अर्थ है, यस यस, सो विल कंटिन्यू। श्रुति का अर्थ ये है कि मैंने बोला आपको समझ में आ गया, आपको सब कुछ याद रह गया, इसको कहते हैं श्रुति धरा, श्रुति धरा, व्यक्ति हर एक व्यक्ति श्रुतिधर था, इतना नॉलेज था सबको, इतना इतना क्या वो गुण था, वो गुण था एक व्यक्ति में। स्कूल में कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, स्लेट नहीं था, राइटिंग पैड नहीं था, प्रोजेक्टर नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ अटेंटिव हियरिंग, श्रुतिधर, सभी श्रुतिधर, मैंने बोला वहां ट्रांसफर हो गया और सब लोग को नॉलेज मिल गया। रिमेंबर,
सुनने के बाद रिमेम्बर भी हो गया पूरी लाइफ के लिए, बट कंटेमिनेशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, डिग्रेडेशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम सब कुछ, हमारे हमारी सुनने की शक्ति चली गई, हमारी स्मरण करने की शक्ति चली गई, हमारी आयु चली गई, कम हो गई, सब कुछ कम हो गया। ये कलयुग का, और कह रहे हैं हमारी प्रगति हो रही है, मॉडर्न वर्ल्ड, दिस मॉडर्न बन रहा है, एक व्यक्ति मॉडर्न बन रहा है। अरे कहाँ से मॉडर्न बन रहा है? घर के 10 लोग हैं ना, हमारे घर के परिवार के कुछ क्लोज, बता दो मुझे 5 से 10 व्यक्ति के मोबाइल नंबर आप बाय हार्ट करके, मुझे याद है क्या आपके, बता दो मोबाइल नंबर, याद नहीं होंगे। हाँ मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई ना, मैंने देखा है मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, ओके मैंने बोला ये ले फोन कर दे घर पे, उतना नंबर नहीं याद है। मैं बोला कभी क्या करेगा तू, बोले चार्जर लगाऊंगा तब जाके घर में कांटेक्ट होगा, नंबर याद नहीं है। क्योंकि हम लोग Some people don't remember their own numbers also. वी डोंट रिमेम्बर, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें क्या कर रही है, हमें अधोगति पे लेके आ रही है, और हम सुन रहे हैं, सब सुन रहे, सुन रहे, सुन रहे। हाँ भगवान ने बनाया ध्वनि है ये, इस ध्वनि की हम कैसी कैसे यूज करें, भगवान ने ध्वनि क्यों बनाई? भगवान ने बनाई ध्वनि कि आप श्रीमद् भागवतम सुनो, आप वैदिक नॉलेज लो और मेरे धाम में लौट चलो, लेकिन हमें उसमें सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं। सूत गोस्वामी आप देखिए, वहां पे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की सभा में सूत गोस्वामी बैठे थे, करेक्ट? हाँ, और वहां पे सूत गोस्वामी ने शौनक ऋषि आदि को 18,000 सारे भागवतम के श्लोक एज इट इज सुनाए, और वो हमें पास, हमारे पास जो श्रीमद् भागवतम है 18,000, 18 श्लोक नहीं 1.8 श्लोक याद करके लिखे। अभी हमारे ग्रुप में हमने कहा कि अभी सबकी दीक्षा होगी तो आप लोग एटलीस्ट भगवत गीता, भागवत के कम से कम 5 5 श्लोक, 6 6 श्लोक याद कर लो, तो हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं श्लोक, सबको अलग अलग श्लोक दे रहे हैं, नहीं तो पता चला एक सभी फर्स्ट पे शुरू कर देता है, सभी इंटरव्यू में पहला ही श्लोक बोलता है। तो मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किए 5 5 श्लोक, गुरु जी 5 3, मेरे बोला नहीं लास्ट टाइम 3 किया था अभी 5 करिएगा, 5 श्लोक याद करने में भी मुश्किल होती है हमारी, क्योंकि हमारी मेमोरी ऐसी, मेमोरी ऐसी, अगर इस्कॉन वाले कह देना आपको 5 श्लोक आता है ना तो आपको हर महीने हम 5,000 सैलरी देंगे, देखो कैसे याद आ जाएगा। अरे 5 क्या 10 करेंगे श्लोक याद, प्रभु जी 15 दीजिए, मुझे 50,000 चाहिए, 50 श्लोक याद, ऐसा स्कीम शुरू करेंगे, मारेंगे मुझे इस्कॉन वाले। लेकिन क्या करें, जहां पैसा मिलता है ना वो चीज करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, जहां पैसा नहीं मिलता है ना वहां पे हम नहीं जाते, नहीं जाते, क्योंकि ये जो पैसा है ना सबको फंसा के रखता है, सबको फंसा के रखता है, वही चाहिए सबको, सुनते रहते हैं ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन यही सबको फंसाने वाला है, हमें समझना है, ये ध्वनि नहीं सुननी है। देखो ये हमें स्क्रिप्चर्स मिले, अभी ध्वनि का जमाना नहीं रह गया, अभी ध्वनि का जमाना नहीं रह गया, क्योंकि ध्वनि तो है भगवान ने बनाया, लेकिन ध्वनि एक समय तक वो थी, अभी भी ध्वनि है, लेकिन पता है भगवान भाई ये लोग नहीं ध्वनि से रहेंगे, क्योंकि तो ये मैंने ही बनाया ऐसे, तो यहां पे व्यास देव ने सोचा कि मैं लिखता हूं इसको, मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे कलयुग के जीव है ना वो याद नहीं कर पाएंगे, कलयुग का कलयुग में अल्प आयुष लोग हैं, सिम्टम्स है ये, उनका इंटेलिजेंस भी कम है, याद भी नहीं रख सकते बेचारे लोग। और उसके बाद सुमंद मतयो, सुमंद मंद मतयो, मंद है शॉर्ट हमारी उम्र है, हाँ उसके बाद हमारे पास बुद्धि भी कम है,
मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या, भाग्य भी मंद है, हम लेजी भी है, वी आर वेरी लेजी, हम मटेरियल लेजी नहीं है, हम स्पिरिचुअली लेजी है, वी आर मटेरियली लेजी, वी आर स्पिरिचुअली लेजी, क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते, रिमेम्बर नहीं कर पाते, हम कुछ भी चीज ठीक से नहीं कर पाते, मिस्टेक करके ही काम करते हैं। ऑल दस वॉट एवर वॉट वी डू इन दिस वर्ल्ड वी डू विद द मिस्टेक्स, एंड विद द मिस्टेक वी लर्न, समटाइम्स वी डोंट लर्न ऑल्सो, हम कभी कभी हम सीखना ही नहीं चाहते। हाँ? भगवान बार बार हमें लाते हैं हमारे जीवन में, कुछ तो भी ऐसा ऐसा हमें ऐसी परिस्थितियां निर्माण करते हैं कि भगवान चाहते हैं ओके ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को बहुत सारी माएं हैं, छोटे बच्चे को दूध हम दवाई पिलानी होती है, वो कड़वी दवाई है, तो दवाई पीता नहीं है बच्चा, तो क्या करती है माता, माता है उसका नाक बंद कर देती है, तब जाके मुंह खोलता है। करेक्ट किया है बच्चों के साथ ऐसे, नाक बंद करो, अभी की माँ है ना बताएगी, आज की मॉडर्न माए पता नहीं क्या करती है, लेकिन जो पुरानी माए है वो ऐसे ही करती, पिलाओ उसको, दहेज हनी हनी मिक्स करके देते। हाँ नहीं मिक्स करके देते हैं, या फिर नाक बंद कर दो उसके मुंह में डालते हैं। भगवान भी करते हैं, बहुत लगा हुआ है ना, बहुत भाग रहा है ना, चलो ठीक है थोड़ा सा उसका ब्रोगी ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद मंदिर आता है, जैसे ब्रेक छूटता है वैसे भाग जाता है, दुख में भगवान को स्मरण करता है, जैसे दुख निकल जाता है ना फिर क्या कर जाता है, सब हो गया ठीक, प्रभु जी जो काम मैं आया था प्रेयर्स करने के लिए, थोड़ा जब भी किया, मेरा जो कार्य होना था वो हो गया, भगवान ने मेरे को सब सेटल कर दिया, अच्छा हो गया, अभी हो गया, बार बार क्या आने का, यही होता है हमारे जीवन में, क्योंकि हम राइट सोर्स से ठीक से हम सुनते नहीं, भगवान ने ध्वनि बनाई किसके लिए, और यहाँ पे हम देखो कितने गंदे गंदे और सारी चीजें, गाने सुनने में अलग अलग, वीडियोस देखने में अलग अलग, पिक्चरें देखने में लगे हुए हैं, भगवान कहे मैंने क्या बनाया, हाँ ये मंद हो तुम लोग, मैंने बनाया किसके लिए ध्वनि, और तुम लोग यूज कैसे कर, तो हमें ये समझना है कि हम बहुत फॉर्चुनेट है, ये शास्त्र हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से लिख के दिए, ये श्रीमद् भागवतम, हाँ ये भागवतम हमें दी किसने, व्यास देव द्वारा मिली, और व्यास देव कौन है, भगवान के स्वयं अवतार है, भगवान स्वयं हमें बता रहे हैं अपने बारे में कि मुझे जानो एंड कम बैक टू गॉडेड, मेरे घर आ जाओ, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं पापा हम नहीं आएंगे, हम यहाँ मजा है, हम अमेरिका में कनाडा में मजा करेंगे, लंदन में मजा करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, अलग अलग ग्रह है, ये क्या है मालूम है, ग्रह है मथुरा वृंदावन मायापुर इंडिया, समझ लो चलो इंडिया, इंडिया क्या है गोलोक वृंदावन, और वो सारे अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम है ना, ये सब अलग अलग प्लानिट है, ये सारे स्टेट है, ये जो कंट्री है ना, ये सारी अलग अलग भौतिक जगत की सारे ग्रह है, ये वहां जाके हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं जाएंगे, भक्त कहता है प्रभु जी मैं अमेरिका जाके, मुझे एड्रेस दो ना मैं जाऊंगा अमेरिका में, वो मंदिर जाऊंगा, होता है हमारे साथ, मंदिर जाऊंगा प्रभु जी हर संडे जाऊंगा, फिर फोन करते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी आप गए कितने बार गए, प्रभु जी बहुत दूर है, प्रभु जी नहीं जा पाए, बोले आप तो जाने वाले थे, आपने बोला था अमेरिका जाके आप वो करेंगे सब, लेकिन नहीं होता क्योंकि एसोसिएशन नहीं है ना, सुना नहीं है ना, सुनना सुना तो है लेकिन बार बार सुनना पड़ेगा, द हियरिंग प्रोसेस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, अगर हम नहीं सुनते हैं राइट सोर्स से तो क्या होता है, यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम अगर राइट सोर्स से नहीं सोचेंगे तो हम इस भौतिक जगत में फंसे रहेंगे, और जैसे हम सुनते हैं हम उत्साह बनते हैं, उत्साह आता है, हनुमान जी ने भी तो यही किया, हनुमान जी क्या करते थे सुनते थे, मैं अभी एक सेशन दे रहा था राम जी के ऊपर, तभी 2-3 दिन का मैंने सेशन किया था, उसमें मैंने बताया हनुमान जी है ना, जैसे भगवान रामचंद्र के जीवन में कोई घटनाएं घटी थी,
वो सुनते थे और बोलते थे इसमें से सेवा मैं कैसे करूं। जैसे एक बहुत सुंदर कुछ भक्तों को याद होगा, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और जब कहा गया कि ये जो लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए हमें संजीवनी बूटी लानी करेक्ट, और ये जब वार्तालाप हो रही थी ना, क्या ये वार्तालाप हो रही थी, सिर्फ हो रही थी वार्तालाप, हनुमान जी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हनुमान जी को पता था कि रामचंद्र जी अभी इसमें मुझे सेवा का मौका मिला है, क्योंकि ये कार्य कौन करने जाएगा, मैं ही करूंगा। एंड जैसे भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान को देखा ना, हनुमान छू हो गए, हनुमान क्या हो गए, चले गए सेवा करने के लिए। तुरंत एक जो सीन क्रिएट हुआ उसमें हनुमान जी ने अपनी सेवा को अपॉर्चुनिटी, ऐसे नहीं पीछे खड़े बैक बेंचर्स की तरह, वो लेके आएगा ना, कोई दूसरा जाएगा। हाँ, वो ये दूसरे सारे हैं, सुग्रीव को भेज दो, राजा है वो, सुग्रीव राजा है। उनका अच्छा हो, क्योंकि वो बीच बीच में कोई पड़ाव आएगा, कुछ राजा है तो थोड़ा भाव ज्यादा मिलेगा, तो थोड़ा अच्छे से नेगोशिएट करके लेके आ सकते, मुझे कहाँ पता। प्रभु जी वो संजीवनी बूटी कैसे दिखती है, फोटो है ऐसे सब नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ये हनुमान से सीखना है सरेंडरनेस, सेवा भाव, कैसे हम सेवा करें। एक भक्त को मैंने बीच में बोला कि इससे बात कर लो, ही सेड प्रभु जी आई डोंट हैव नंबर, आई सेड फाइंड योर नंबर्स, ढूंढो नंबर, ढूंढो नंबर, करेक्ट। सो इस हनुमान जी हमारे प्रतीक है सेवा के, हमें सेवा कैसे करनी चाहिए एक्सट्रीमली। प्रभुपाद भी है ना, सारे हनुमान छोड़े थे, सब एक एक राज्यों में, हर एक हर एक कंट्री में प्रभुपाद ने हनुमान को छोड़ा, सब प्रभुपाद के डिसाइपल्स हनुमान है। थिंक बिग, कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा करते थे, और हनुमान की तरह जैसे श्री प्रभुपाद कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते थे ना, उस इंस्ट्रक्शन को 100% वो ध्वनि को है ना अच्छे से सुनते थे, दोनों कानों से, तो ध्वनि को सुनना इंपॉर्टेंट है। ये ध्वनि इंस्ट्रक्शन के रूप में आ सकती है, ध्वनि जो यहाँ पे सबसे पहले भगवान ने एस्टैब्लिश क्यों की, क्योंकि हम भगवान के बारे में सुने और बैक टू गॉडेड चले जाए, इसके लिए एक ध्वनि भी एक माध्यम है, हमें भगवान ने दी। आकाश, अभी जहां पे सूक्ष्म स्वरूप है, आकाश का एक सूक्ष्म स्वरूप ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि ट्रैवल कहाँ करेगी, आकाश में ट्रैवल करेगी। ये सारा तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान से हमें समझ के ये देखना चाहिए कि हम कैसे हमारी भक्ति में वर्धन करें, हम कैसे उत्साही बने सुनना। इसी के साथ इस सेशन को मैं विराम देता हूं, किसी कोई भक्त का कमेंट, प्रश्न, टिप्पणी है तो पूछ सकते।